दोस्तों नवा मुद्दा है, दोस्तों नवा मुद्दा है। गुड, अब हमारी बारी है और पूरी तैयारी है। चलो बुद्ध की ओर कार्यक्रम हम लोगों ने किया चल रहा है। यहां उपस्थित सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने कृपया हमें क्षमा करने का कष्ट करें, जिसके लिए हम बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा दोषपूर्ण कोई काज, जिनके प्रति मैं किए क्षमा करें सवाल। आज का जो कार्यक्रम है बैक टू विलेज, मैं आपको 5000 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। सभ्यता क्या होती है? अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं ये भी एक सभ्यता है, और जिस दौर में हम पहले रह चुके हैं वह भी एक सभ्यता थी। जिस तरह की आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस तरह की सभ्यताएं होती हैं। जैसे हमारी सभ्यता उतनी पुरानी है जितनी की बेबीलोन और इजिप्ट की सभ्यता है। इजिप्ट की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता के बराबर पुरानी सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता है। तो ये सभ्यता कौन सी है? अगर आप इस चित्र को देखें स्क्रीन पर तो आपको पता लगेगा ये भारत की 5 से 6 हजार साल पुरानी सभ्यता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं। हड़प्पा सोसाइटी क्या थी वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। मैं ऐसी चीजें क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले आप इस चित्र को देखें तो आपको पता लगेगा कि इस तरह के लोग थे जो इस सभ्यता को मानते थे। ये वो लोग थे जो यहां के मूल निवासी थे। चार संप्रदाय, कोल, नाग, भील और द्रविड़, चार संप्रदाय थे जो इस देश में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, आजकल वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। सिंधु नदी के किनारे किनारे जितनी भी बस्तियां बनी, जितने भी संप्रदाय बने, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। People used to follow Buddhist culture as per the archaeological discoveries and evidences. Archaeological Department of India ये कहता है कि Indus Valley Civilization में जिस संस्कृति का पालन किया जाता था वह संस्कृति बौद्धों की थी। और मैं इसको साबित करके बताऊंगा, मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाऊंगा कैसे वहां के जो लोग रहते थे वो विश्वास करते थे मेडिटेशन में, और बुद्धिस्ट लोग विश्वास करते हैं विपश्यना में। मेडिटेशन और विपश्यना इक्वल है। वहां जो लोग रहते थे वो विश्वास रखते थे रिनंसिएशन में, त्याग की भावना होती थी। बुद्धों की पहली पारमिता दान पारमिता, त्याग की भावना होती थी, और बौद्धों में आज भी त्याग की भावना होती है। Abandoning the household life, हमारे भिक्षुगण अपना घरेलू जीवन त्याग देते हैं और पूरी तरह से धम्म के हो जाते हैं। ऐसा होता था और आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोग ऐसा करते थे, और आज हम बौद्धों को देखें वो भी तो ऐसे ही करते। समानता मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एस्केटिक लाइफ, पूरी तरह से धम्म को समर्पित रहते थे वो लोग। रीबर्थ में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म। देखिए ये टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है, शायद इस मंच के माध्यम से मैं उतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा। हर शनिवार को रात को 8 बजे
बीसीआई एकेडमी पर बुद्धम के ऊपर लेक्चर होता है। अगर किसी को डिटेल में जानकारी लेनी है, मेरी गुजारिश है बीसीआई एकेडमी सोना ट्रेड सेंटर पर पहुंचे रात को 8 बजे सैटरडे। पूरी हम बातें करेंगे, रिवर्स को समझाएंगे। उस समय भी लोग विश्वास रखते थे रिवर्स में, और आज के बुद्धिस्ट लोग भी रिवर्स में विश्वास रखते हैं। रिवर्स है क्या? पल प्रति क्षण आपके शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं बनती हैं और फिर से जीवित होती हैं। लगभग चंद महीनों में पूरा शरीर फिर से बन जाता है, पूरा शरीर फिर से बन जाता है। कंसेप्शन ऑफ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य को हम निभाते हैं। हम बुद्धिस्ट लोग ही तो निभाते हैं, मैं किसी और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। कंपैरिजन करके देखना, मन के हिस्से में कंपैरिजन करके देखना, आपको पता चलेगा कि कौन सी सभ्यता है जो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी पर रखती है। नोशन ऑफ काम, हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म बंद कर दिया, बंद कर दिया। गोल ऑफ रिलीजियस लाइफ लिबरेशन, लिबरेशन तो निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करने का हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है। निर्वाण क्या होता है? जब दुख और सुख की सीमाओं से हम परे चले जाते हैं, जहां सुख और दुख के बंधन मिट जाते हैं, जब हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, उस स्थिति को निर्वाण कहते हैं। और हां, निर्वाण की स्थिति आपके जीते जी संभव है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। दूसरी सभ्यताओं की तरह आपको कुछ चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा। सॉरी, यहां मरने की जरूरत नहीं है, आपको निर्वाण जीते जी प्राप्त होगा। ये सभ्यता है जो बुद्धिस्ट कल्चर में विश्वास रखती थी। यहां जो लोग रहते थे बड़े खुशी खुशी रहते थे, बड़ा ही अच्छा उनका मन था, बड़ा ही अच्छा उनका हृदय था। परंतु 1500 ईसा पूर्व में कुछ घृणित लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया, उनको आर्य कहा गया। आर्य लोग पोलैंड से वेस्टर्न रशिया के बीच में घास के मैदान है, वहां से आए थे, भारत में एंट्री की। विश्वास मानना, आज के आर्यों का डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप मूल निवासियों से मैच ही नहीं करता। ये वैज्ञानिक कहते हैं मूल निवासी आप हैं, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग बाहर से आए। आर्यों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट किया। और जानते हो, पिछले 5000 सालों से गुलाम, 5000 साल बाद हमें गुलामी से छुटकारा दिलाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो पता है समस्या क्या हो गई? एक बार एक ईगल बाज को एक व्यक्ति ने उसके पैर में एक रस्सी बांध दी और एक खूंटे से बांध दिया। तो ईगल क्या करता था, खूंटे के चारों ओर ऐसे 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 घूमता था, ऐसे ऐसे घूमता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया, चलो इसको आजाद कर देते, आजाद कर दो इसको। अब उसकी रस्सी खोल दी, आजाद किया, वो ईगल को लेके ऐसे ऊपर उड़ाया। जानते वो उड़ा नहीं, वो गिर गया। जानते क्यों? क्योंकि इतने वक्त में वो उड़ने की कला भूल गया था। और हम तो 5000 साल पुराने गुलाम हैं, हमारी तो उड़ान ही कुछ और थी, और उस उड़ान को हम भूल गए। बीसीआई का पूरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपनी उड़ान को वापस पा लें। हम अपनी उड़ान चाहते हैं, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते। कंपैरिजन करके बता देता हूं आर्यों में और सिंधु घाटी सभ्यता में। हम लोग एक्सेक्टेड लाइफ में विश्वास रखते हैं, घर छोड़ देते हैं धम्म के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके यहां पुजारी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे यहां त्याग की भावना होती है, उनके यहां त्याग की भावना नहीं होती, उनके यहां नगद नारायण चलता है। हमारे यहां बेटों को भी और बेटियों को भी बराबर तरजीह दी जाती है, वहां केवल बेटों को तरजीह दी जाती है।
हमारे यहाँ विपश्यना मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, उनके यहाँ लॉ ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ लॉ ऑफ कर्मा इंपॉर्टेंट है। कर्म से मतलब करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। रोटी का टुकड़ा मुंह में डालेगा, दांतों को चलाएगा तो खाएगा, नहीं चलाएगा तो नहीं खा पाएगा। अंतड़ियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अंतड़ियां ज्यादा काम करेंगी तो अंतड़ियां कमजोर हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ कर्मा हम उसमें विश्वास करते हैं। हम तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ। अब हम मैच करते चलना, सिंधु घाटी सभ्यता और जो हम ये कथा करते कह रहे हैं ना बुद्धिस्ट लोग हैं, अपनी सभ्यता और उनकी सभ्यता को मिला के देखो। अगली बात क्या कहता हूँ, हम लोग मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटीज देते हैं, वहां मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटीज नहीं दी जाती। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे यहाँ एक भिक्षुणी को उगना ही अधिकार है जितना एक भिक्षु को। उधर एक पुजारी तो शादी करा सकता है, फेरे करवा सकता है, लेकिन एक महिला को हक नहीं है कि फेरे करा दे। एक बेटा बाप की चिता में आग लगा सकता है, लेकिन बेटी को हक नहीं है कि बाप की चिता में आग लगा सके। ये फर्क है, ये फर्क है जो 5000 सालों से आज तक बना हुआ है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है और उनकी जिंदगी का उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्त करना, जो मरने के बाद मिलेगा। और मरने के बाद क्या मिलता है मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो हो सकता है आपको पता हो, मुझे नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जातियां नहीं होती थी, यहां जाति होती है। देखिए, जहां शरीर में फर्क होता है, कुत्ते का शरीर सुअर के शरीर के जैसा नहीं होता, सुअर का शरीर गधे के शरीर के जैसा नहीं होता, गधे का शरीर गाय के शरीर के जैसा नहीं होता, गाय का शरीर मनुष्य के शरीर के जैसा नहीं होता। जहां शरीर में फर्क है वहां जातियां हैं। भारत के आदमी का शरीर ऐसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदमी का, भारत की औरत का शरीर ऐसा ही है जैसे वेस्ट इंडीज की औरत का। अगर जाति है तो केवल दो जाति है, महिला और पुरुष, क्योंकि शरीर में अंतर है, क्योंकि शरीर की बनावट में फर्क है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना जिंदगी अधूरी है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और एविडेंस दिखाता हूं, ये देखिए, ये खुदाई में निकली हुई वो माला है, आप इसमें गिनिए, नीचे तीन चीजें लटकी हुई हैं, एक दो तीन, इसे कहते हैं तीसरण, बुद्ध धम्म संग। ऊपर पांच है, एक दो तीन चार पांच, इसे कहते हैं पंचशील। 2500 साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ था, मैं 5000 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। तो ये संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और इसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। देखिए, ये खुदाई में निकला हुआ एक एविडेंस है। अगर इसमें देखो चक्र दिख रहा है, धम्म चक्र, धम्म चक्र बौद्धों में होता है दोस्तों, आर्यों में नहीं। आर्यों में धम्म चक्र नहीं होता, ये बौद्धों में होता है। ये देखिए, ये भी एक सीन है। ये देखिए, पीपल का पेड़ जानते हो, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है। और भगवान बुद्ध को ये ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। और हमें क्या सिखाया गया है, अबे पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वहां तो भूत होता है। हमें डरा के रखा गया है, इतना बढ़िया पेड़, इतना सब कुछ होते हुए भी हमें तो पीछे रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो इनको कुछ अच्छा मिल जाए, इनको पीछे रखो, लटका दो पीछे, निकालो इनको। और देखिए, ये स्वास्थ्य आप बनाते हो घर में, कितने लोग घर में बनाते हैं इसको, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग बनाते हैं। अब सारे बुद्धिस्ट बन के दिखाएंगे ना, हम नहीं बनाते सब, इसको सब बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बौद्धों का चिन्ह है, आर्यों का नहीं। कैसे, बुद्धिस्ट लोग मध्यम मार्ग में विश्वास रखते हैं, मध्यम मार्ग,
ना तो हम नास्तिक हैं। नास्तिक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता, ना ही हम आस्तिक हैं। आस्तिक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता है। हम आस्तिक नहीं है, हम नास्तिक नहीं है, तो हम क्या है? हम स्वास्तिक हैं। हम स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम अपने मनुष्यत्व पर, मानवता के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये धर्म मानवता पर आधारित है। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक एक इंसान ने बनाया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? छू चिंटू संभव है ऐसा? ऐसे कर छू, अरे जोली तू, कभी संभव नहीं हो सकता। हवाई जहाज बनाया तो इंसान ने, घड़ी बनाई तो इंसान ने, ये प्रोजेक्टर, लैपटॉप, साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन सब इंसान ने बनाया। इंसान सर्वोपरि है। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो छू करते बन गई हो, या फू करके बन गई हो, या यूं करके या डमरू बजा के बन गया, बांसुरी बजा के बन गई हो, ना घंटी बजाते बजाते कुछ नहीं मिला। कहां से मिलता है? कर्म करने से। कर्म कर्म करने से मिलता है। बुद्ध का धर्म कर्म के पर आधारित। स्वास्तिक है, हम अपने पर विश्वास रखते हैं, हम अपने पर भरोसा रखते हैं। अपने को भरोसा रखेंगे तो काम चलेगा ना, अपने पर विश्वास नहीं होगा तो कहां से काम चलेगा। ये देखो, ये खुदाई में मिला हुआ एक पत्थर है, इसमें बैठने की स्थिति देखो, वो बैठा हुआ कैसे। और अब सोचो जब आप वंदना करते हो तो कैसे बैठते हो। अब मिलाओ, कोशिश करो मिलाने की, तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और आज की बौद्ध संस्कृति एक ही है। 5 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 5000 साल पुरानी। अब मैं बताता हूं बुद्धिज्म क्या है। बुद्धिज्म एक तरह की गाड़ी है, जीवन की गाड़ी। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए बुद्धिज्म की जरूरत। जैसे आप ही देखिए, घोड़े को बोला सेंसेस। सेंस, सेंस क्या? आंखें, कान, नाक, जबान, स्किन, टच कर, सेंस। ये तो हो गए, इनको बोलते हैं 5 इंद्रियां। बुद्धिस्ट कहते हैं भैया 5 नहीं होती, क्योंकि 6। कैसे? छठा है दिमाग, कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन द कॉमन पीपल। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन द कॉमन पीपल। तो कॉमन सेंस तो कॉमन है ही लोगों में। अगर कॉमन सेंस भी कॉमन हो गया तो कॉमन चीज की कॉमननेस खत्म हो जाएगी। तो कॉमननेस की कॉमननेस खत्म करने के लिए तो आपको कॉमन सेंस चाहिए, और कॉमन सेंस चाहिए तो आपको बुद्धिज्म में आना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म तो बात करते हैं कॉमन सेंस। सेंस मुझे पता लग जाए कि ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, ये काला रंग है, मैं छू के पता, अरे ये तो ठंडा, ये तो गर्म है। मुझे टच करके पता चले, ओहो ये तो खट्टा है, ये तो मीठा है। सेंस, सेंस। लेकिन ये सेंस तब काम करता है जब ये ब्रेन काम करता है, और ये ब्रेन तब काम करता है जब आप इससे काम कराते हो। 3 तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में, 3 तरह के लोग जो दुनिया बदल देते हैं, 1 जो दुनिया के साथ चल देते, 2 और तीसरे वो कहते अबे क्या हो?